भाई कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक बार फिर से महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म अंतिम दी फाइनल ट्रूथ को लेकर, जो कि एक बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। और इस फिल्म में लीडिंग में नजर आएंगे आयुष शर्मा और सलमान खान। वेल गाइस, फिल्म का बुज़ काफ़ी ज़्यादा है और आपको बता दूँ अब इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है। और बात करें फिल्म को लेकर तो आपको बता दूँ ये एक्शन थ्रिलर फिल्म आने वाली है सभी थिएटर्स में 26 नवंबर को, यानी कि कुछ 3 दिन तो नहीं कहेंगे लेकिन अब 2 दिन का वक्त बचा है फिल्म को रिलीज़ होने में। ऐसे में एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है, फिल्म की क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है और जो इसका बजट है वो है मैच गई 50 करोड़ के आसपास, क्योंकि इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं की है सलमान खान ने और उसको प्रोड्यूस किया है खुद सलमान खान ने, इसलिए इसका जो बजट है ज़्यादा हाइक नहीं गया, बोले तो ज़्यादा ऊपर नहीं गया। फिर बात करें इस फिल्म के कलेक्शन को लेकर कि ये फिल्म अभी तक एडवांस बुकिंग से कितना कलेक्शन कर चुकी है, तो आपको बता दूँ गाइस हाल फिलहाल मतलब एक दिन हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आपको बता दूँ जो उसका एडवांस कलेक्शन आ चुका है बुकिंग से वो आ चुका है गाइस अभी तक लगभग से लगभग 10 लाख प्लस, ज़्यादा नहीं है लेकिन उम्मीद करते हैं 2 दिनों के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा रेटिंग्स बढ़ने वाली है इसकी कलेक्शन के मामले में भी, और ये कम से कम 5 से 7 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी अपने ओपनिंग से पहले। तो आपको गाइस क्या लगता है कि फिल्म ओपनिंग बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन क्या होगा इसका जब ये रिलीज होगी, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या ये सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ देगी? वेल, आपकी जो भी हो रहा है फिल्म को लेकर और इसके बुज़ को लेकर कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बनता है यार, क्योंकि अपडेट दी है तो कुछ तो यार रिस्पेक्ट करो प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।